तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एक एंड्रॉयड फ़ोन के शूट किए गए वीडियो को हम आईफोन के जैसे एडिट कैसे कर सकते हैं, आईफोन के जैसे गाइस उसमें इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। तो आप भी सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के शूट किए गए वीडियो को एडिट आईफोन के जैसे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो में दिल लेके आता रहता हूँ, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सिंपली चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और गाइस ये ऐप्स दिख रहा है सोलो, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम से भी कर सकते हो या तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। तो गाइस ये ऐप पर डिपेंड पड़ता है कि कहाँ से करोगे, तो प्ले स्टोर से कर लेना। ठीक है, तो ओपन करते हैं अपने ऐप्स को, और गाइस ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। तो हम ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे, और देन हमें एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो वीडियो को हम एडिटिंग करेंगे आईफोन का जैसे वो वीडियो। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देन हम इसको आवाज़ साउंड कम कर देते हैं। और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेगा आप, या तो सेकेंड, मुझे अच्छा लगता है सेकंड वाला। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे, थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस पहले मैं वीडियो को रोक देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस हमें जाना है लाइट में, और लाइट में जाने के बाद एडजस्टमेंट करना है। तो गाइस आप लोग जितना अच्छा एडजस्टमेंट करोगे उतना कलरफुल वीडियो बनेगा, उतना अच्छा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो गाइस ये आप लोगों पर डिपेंड पड़ता है कि कितना अच्छा एडजस्टमेंट करोगे, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा वीडियो बनेगा। तो गाइस देन इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऐसा नहीं 57 कर देता हूँ, और इसको 39 कर दिया, और घंटा को थोड़ा सा 24 कर दिया, और हाइलाइट्स को भी 48, और इसको कर देते हैं 37, और इस नीचे वाला को कर देते हैं हम 35। उसके बाद हम टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद गाइस आप लोगों को जाना है इफेक्ट में। तो इफेक्ट आप लोगों को ताक लेना कहाँ पर इफेक्ट, तो ये रहा इफेक्ट, उस पर क्लिक करेंगे, और सिंपली से इसको इसमें भी एडजस्टमेंट करना है आप लोगों को। तो मैं इसको कर देता हूँ 27, और इसको ध्यान इसको मैं कर देता हूँ 72, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, इसको रहने देता हूँ गाइस 10 पर कर देता हूँ। उसके बाद मैं टिक करना है, और गाइस टिक करने के बाद जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है उसमें भी आप लोग एडजस्टमेंट करना है। देख सकते गाइस कितना अच्छा हो रहा है इसमें, कितना अच्छा सा रहा है। तो हमें सिंपली कर देना है इसको 24, और इसको कर देना है 29, और नीचे वाला को कर देना है 20। उसके बाद क्लिक करेंगे, और तो गाइस शूट किए गए वीडियो कितना स्मूथली बन चुका है, तो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो वीडियो की, ये वीडियो पहले कैसा था आप कैसे हो चुका है। तो डनली हम अब सेव करना है आप लोगों को, तो ये जो आइकन दिख रहा है टिक को उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो एक्सपोर्टिंग हो रहा है तो डनली आप लोगों को गैलरी में चला जाएगा वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना,
और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहता हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो सब्सक्राइब कर देना।